है एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड अनदर वीडियो। तो स्टूडेंट से आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाले हैं। तो गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं GNM और NM नर्सिंग कोर्स के डिफरेंस के बारे में। तो कुछ स्टूडेंट्स इस कोर्स को लेकर कंफ्यूज हैं कि GNM कोर्स बेस्ट होता है, NM कोर्स बेस्ट होता है। तो कुछ स्टूडेंट कमेंट किए थे कि इस पर एक वीडियो बनाइए कि हमें GNM करना चाहिए कि NM करना चाहिए, कि कौन सा दोनों में से बेस्ट है। तो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं कि GNM और NM कोर्स क्या है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कितने साल का कोर्स होता है, कोर्स करने में पूरी खर्च गवर्नमेंट कॉलेज से और प्राइवेट कॉलेज से कितना लग जाएगा, इनका सैलरी कितना होता है, जॉब ऑप्शन इसका क्या होता है, इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। जो जो न्यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम GNM के बारे में बताते हैं। ये एक नर्सिंग कोर्स होता है और इसका GNM का जो फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी होता है। यह एक डिप्लोमा कोर्स है। कुछ स्टूडेंट इसको समझते हैं डिग्री कोर्स, तो ये डिग्री कोर्स नहीं है, ये डिप्लोमा कोर्स है। यह 3 ईयर्स का कोर्स होता है, 6 मंथ्स का इंटर्नशिप इसमें इंक्लूड रहता है। 3 ईयर्स में ही आपका 6 मंथ का इंटर्नशिप ड्यूटी कराया जाता है। और ये बात करें इसका पोस्ट क्या होता है, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब होता है आप लोग का, तो इसमें ग्रेड ए लेवल का होता है पोस्ट। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि योग्यता के बारे में, इसकी क्या योग्यता होना चाहिए GNM कोर्स करने में। ये कोर्स गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कर सकते हैं। बॉयज़ ओनली प्राइवेट कॉलेज से ही कर सकते हैं, गर्ल्स प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज से दोनों से कर सकते हैं। यहाँ बॉयज़ केवल प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं, क्योंकि जो बिहार पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होता है वहाँ केवल ओनली गर्ल्स को ही लिया जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि बिहार में गवर्नमेंट GNM कॉलेज नहीं है। GNM गवर्नमेंट कॉलेज से ही गर्ल्स कर सकती है और बॉयज़ केवल प्राइवेट कॉलेज से ही कर सकते हैं। गर्ल्स हैं कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज दोनों से कर सकते हैं। इसका एज लिमिट है 17 से 35 ईयर्स तक, इतने के बीच में आप GNM कोर्स कर सकते हैं। रहा है इसके स्ट्रीम के बारे में, तो वो 12th पास होना चाहिए। इसकी स्ट्रीम मतलब क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, सबसे पहले वो 12th पास होना चाहिए। स्ट्रीम में साइंस, PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है। जिनके सब्जेक्ट में साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है वो गवर्नमेंट बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज से GNM कोर्स कर सकते हैं बिहार पैरामेडिकल के थ्रू। ओनली प्राइवेट कॉलेज से साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी स्ट्रीम हो साइंस में, वो बॉयज़ ओनली प्राइवेट कॉलेज से कर सकता है GNM कोर्स। ये रहा पारा मेडिकल का प्रोस्पेक्टस। यहाँ साफ शब्दों में लिखा है GNM ग्रेड ए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स जो केवल महिलाओं को उपलब्ध होगा। 10th+2 विज्ञान विषय यानी साइंस में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कम से कम सब्जेक्ट में 40% अंक से अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो ये रहा बिहार पैरामेडिकल का जो प्रोस्पेक्टस है, इसके यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस। ये GNM गवर्नमेंट के लिए, जो गर्ल्स के लिए है, यहाँ पे साफ शब्दों में स्पष्ट किया गया है। यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि इस कोर्स को करने के लिए उम्र 17 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। GNM कोर्स के लिए 12वीं में PCB होना ज़रूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिनिमम 40% ईच सब्जेक्ट में पास होना नेसेसरी है। 12th में इंग्लिश 40 अंक से ऊपर होना
नेसेसरी है, स्टूडेंट को मेडिकल फिटनेस होना ज़रूरी है। तो ये रहा आपका GNM का एलिजिबिलिटी, ये सारा एलिजिबिलिटी होना चाहिए तभी आप GNM नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ी, यानी कि जिनको गवर्नमेंट कॉलेज से GNM करना है गर्ल्स को, तो उनका गवर्नमेंट कॉलेज से फ़ी कितना लग जाएगा GNM का। तो यहाँ पे एडमिशन फ़ी नहीं लगता है गवर्नमेंट कॉलेज से करने पे, हॉस्टल फ़ी भी नहीं लगता है गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर मेस फी जो आपको कॉलेज अलॉट होता है बिहार पैरामेडिकल के थ्रू, तो वहाँ पर मिनिमम इतना आपको 2000-3000 के अप्रोक्स के बीच में ही आपका मेस फी रहता है। टोटल अराउंड आप लोग का लग जाएगा 3 साल का जो कोर्स होता है GNM, आप लोग का 1.5 लाख में हो जाएगा, 1.5 लाख में आप लोग का GNM कंप्लीट हो जाएगा। और एक्स्ट्रा खर्चा भी लगता है, बुक का हो गया, यूनिफॉर्म का हो गया, पार्टी शार्टी का, जो भी जो लगता है 3 साल में अप्रोक्स जो जार को इतना आपका टोटल बैठ जाएगा, 1.5 लाख में आपका GNM कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब बात रहा है कि GNM कोर्स करने में कोई स्टाइपेंड मिलता है, स्कॉलरशिप में मिलता है 1500 पर मंथ मिलता है स्टाइपेंड, हालाँकि गवर्नमेंट कॉलेज में पर मंथ स्टाइप पर नहीं मिलता है, कभी 3 महीना पर, कभी 4 महीना पर, 5 महीना पर, इसी तरह करके आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, कभी 1 साल पे आता है, माने 3 साल का टोटल आप लोग का स्टाइपेंड मिल जाता है, लेट सेट मिल जाता है स्टाइपेंड। यह रहा गवर्नमेंट कॉलेज का फी कितना लगता है टोटल प्रोसेस। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज का फ़ी टोटल कितना लग जाएगा GNM के लिए। यहाँ पे एडमिशन फ़ी लगता है, हॉस्टल फ़ी भी लगता है, मेस फ़ी भी लगता है, वो प्राइवेट अपने अपने प्राइवेट कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग कितना एडमिशन फ़ी रखे हैं, हॉस्टल फ़ी, मेस फ़ी। अप्रोक्स टोटल आपको लग जाएगा 6 से 7 लाख आप लोग का एक GNM कोर्स करने में लग जाएगा 3 ईयर्स का, इससे भी एबव लग जाएगा, इससे भी एबव आप लोग का पैसा लग जाएगा। वो डिपेंड करता है कि हर कॉलेज का अलग अलग कितना फ़ी है, अदर स्टेट का अलग कुछ फ़ी है, बिहार का कुछ अलग फ़ी है, इसी तरह आप लोग का 6 से 7 लाख लगभग आप लोग का प्राइवेट कॉलेज से GNM करने का खर्च लग जाएगा। अगर हॉस्टल नहीं लेकर पढ़िएगा 6-7 लाख बैठ जाएगा, ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। ये रहा प्राइवेट कॉलेज का टोटल आपका एडमिशन फ़ी खर्च। अब यहाँ पे बात करेंगे कि सैलरी के लिए, तो ये रहा सैलरी, आप लोग को कुछ बता दे सैलरी के बारे में। तो यहाँ आप लोग को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर जॉब लगता है बिहार के थ्रू, बिहार में जॉब वैकेंसी निकलता है BTSC के थ्रू, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के थ्रू, एक आता है बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी के थ्रू, यानी कि बिहार स्वास्थ्य विभाग के थ्रू, तो अपना डिपार्टमेंट अलग अलग है, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग सैलरी बनता है। GNM का बेसिक सैलरी होता है 45,000 पर मंथ, इसमें प्लस अलाउंस भी सारा मिलता रहता है, जैसे आपका हो गया अलाउंस मतलब आपका हाउस रेंट हो गया, यूनिफॉर्म का पैसा मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, ये सब जो जार के इसमें आपका टोटल हो जाएगा आपका 59,000 से 60,000 रुपया पर मंथ आपको मिल जाएगा। आप लोग का GNM का बेसिक सैलरी 45,000 से स्टार्टिंग होगा, और इसका जो रहता है एक रहता है ग्रेड पे, तो इसका ग्रेड पे रहता है 4600, ग्रेड पे इसका रहता है GNM का 4600, इसी के अनुसार आप लोग का जो ये सैलरी रहता है इंक्रीज होते जाता है 60,000, 70,000, 80,000, लास्ट में 1,20,000, 30,000 तक चला जाता है। अब बात रहा इसकी प्राइवेट हॉस्पिटल, आप लोग जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल अगर ज्वाइन करते हैं तो उसका प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लोग का GNM का एक सैलरी देता है 15,000 से 20,000। वह हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो GNM को कितना सैलरी देगा, वो हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करता है, कैसा कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, 2 इयर्स या 1 इयर्स का एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करता है, उसके अनुसार आप लोग का भी एक बेसिक सैलरी अच्छा खासा मिल सकता है।
मान लीजिए 20,000 है तो 30,000 मिल जाएगा, 25,000 मिल जाएगा, वो आप लोग के एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये रहा आपका सैलरी के बारे में। घर अब एनम के बारे में आप लोग को बता दें, एनम भी एक नर्सिंग कोर्स होता है और एनम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी होता है। यह भी एक डिप्लोमा कोर्स होता है और ये 2 ईयर्स का कोर्स होता है। इसमें भी 6 मंथ का इंटर्नशिप इंक्लूड रहता है, ये अलग से नहीं रहता है, 2 ईयर्स का अंदर ही इंक्लूड रहता है। ये पोस्ट ग्रेड बी लेवल का होता है। तो अब बात करते हैं एनम का एलिजिबिलिटी के बारे में, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए एनम का। एनम कोर्स ओनली गर्ल्स ही कर सकती है, बॉयज नहीं कर सकता है। गर्ल्स प्राइवेट कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज से दोनों, उसकी एज लिमिट है 17 से 35 साल तक। क्लास 10th या 12th हो, दोनों पास होना चाहिए। स्ट्रीम आपका साइंस से हो तो कर सकती है, आर्ट से भी कर सकती है, कॉमर्स से भी कर सकती है, कोई भी सब्जेक्ट हो इंटर में वो एनम कर सकती है। यहाँ देख सकते हैं कि एनम डिप्लोमा कोर्स केवल लड़कियाँ ही कर सकती है। एनम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 10+2 किसी मान्यता बोर्ड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। स्टूडेंट की उम्र 17 वर्ष से 35 वर्ष होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में आर्ट्स साइंस कॉमर्स से 12th पास हो और छात्र को मेडिकल फिटनेस होना, स्वस्थ होना मानसिक रूप से जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एनम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले 10+2 में 45% मार्क्स पास होना चाहिए। और यहाँ पे आरक्षित सीट छात्रों के लिए 12th में 40% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये रहा आप लोग का एनम के लिए एलिजिबिलिटी प्रक्रिया। अब बात करते हैं कि अगर एनम गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो इसका एडमिशन फ़ी कितना लगता है। तो इसमें भी जो आप बिहार पैरामेडिकल के थ्रू करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से एनम, तो यहाँ पे एडमिशन फ़ी नहीं लगता है, हॉस्टल फ़ी नहीं लगता है, मेस फ़ी वही आपका अप्रोक्स रहेगा 2,000-3,000 के बीच में। यहाँ पर आपका अराउंड टोटल 60,000 में आपका एनम कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा 2 ईयर्स का। यहाँ पे इसमें कम बेस हो सकता है। स्टाइपन स्कॉलरशिप वही आपको 1500 पर मंथ मिलेगा, जितना जीएनएम का मिलता है उतना आपको भी एनएम का मिलता है स्कॉलरशिप 1500 पर मंथ। ये रहा गवर्नमेंट कॉलेज का टोटल फ़ी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज के फ़ी के बारे में, एनम के लिए कितना लग जाएगा प्राइवेट कॉलेज से एनम करती हैं तो यहाँ पे एडमिशन फ़ी आप लोगों को लगता है, हॉस्टल फ़ी भी लगता है, मेस फ़ी लगता है। प्राइवेट कॉलेज से एनम करने के लिए वो डिपेंड करता है, प्राइवेट कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एडमिशन फ़ी वगैरह कितना लेता है, हॉस्टल फ़ी मेस फ़ी। अप्रोक्स हो जाएगा आप लोग का एनम कोर्स 1.5 से 2 लाख में आप लोग का हो जाएगा एनम कंप्लीट। ये रहा प्राइवेट कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं एनम का सैलरी कितना मिलता है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एनम का बेसिक सैलरी है 35,000 पर मंथ। इसमें भी आपका अलाउंस ऐड रहता है, इसमें भी अलाउंस जोड़ के आपका लगभग अराउंड 40-45 हज़ार के आसपास आ जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में एनम का बेसिक सैलरी होता है 10,000 से लेकर 15,000 तक। वह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितने साल के है, एक्सपीरियंस के अनुसार आपका सैलरी भी हर ईयर्स में इंक्रीज होते जाता है, वो डिपेंड करता है आपका प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर। ये रहा आपका सैलरी एनम का गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में। तो जीएनएम और नर्सिंग को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कराया जाता है। जीएनएम और एनम को कॉलेज में थ्योरी पढ़ाया जाता है, एनम से ज़्यादा जीएनएम को थ्योरी कराया जाता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, क्योंकि जीएनएम 3 ईयर्स का कोर्स होता है और एनम 2 ईयर्स का कोर्स होता है। और नर्सिंग प्रैक्टिकल भी कराया जाता है जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स या नर्सिंग स्टाफ के द्वारा कराया जाता है। यहाँ भी प्रैक्टिकल जीएनएम को ज़्यादा करना रहता है, एनम को कम करना रहता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस से। तो गाइज सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जीएनएम और एनम को हॉस्पिटल में क्या वर्क रहता है। आप लोग का कमेंट था कि जीएनएम और एनम को हॉस्पिटल में क्या वर्क करना रहता है। तो जीएनएम और एनम को हॉस्पिटल में पेशेंट को केयर करना रहता है, पेशेंट का हिस्ट्री लेना, पेशेंट का हेल्थ से रिगार्डिंग पूछना,
पेशेंट का वाइटल साइन लेना और पेशेंट को मेडिसिन देना, इंजेक्शन लगाना, आईवी फ्लूड चढ़ाना, जो डॉक्टर से दोबारा प्रिस्क्राइब की गई पर्ची को रूल को फॉलो करना रहता है, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के साथ असिस्टेंस यानी कि सहायक के रूप में वर्क करना रहता है जीएनएम और एनएम को। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।